हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास वन का चैप्टर फाइव सोशल साइंस का है माय स्वीट होम, यानी कि मेरा प्यारा घर। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चंस राइट कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने घर पर बुक सोशल साइंस ओपन कर लीजिए, चैप्टर फाइव माय स्वीट होम आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। तो सबसे पहला टॉपिक सिस्टम बोल रहा है व्हाई डू वी लिव इन हाउसेस, यानी कि हम लोग घर में क्यों रहते हैं। तो द बिल्डिंग इन व्हिच वी लिव इज कॉल्ड आवर हाउस और होम, यानी कि जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है जिसमें हम लोग रहते हैं उसको हम लोग हाउस और होम कहते हैं। ए हाउस प्रोवाइड अस शेल्टर फ्रॉम बैड वेदर एनिमल्स एंड बैड पीपुल, यानी कि जो घर होते हैं वो हमें क्या क्या चीज से बचाते हैं, तो बैड वेदर यानी कि खराब मौसम से, जानवर से और बैड पीपुल यानी कि गंदा आदमी से। गंदा आदमी में कौन? चोर, ये सबसे। फिर बोल रहा है बी ए स्टडी इट स्लीप एंड रेस्ट इन आवर हाउस, यानी कि हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं और आराम भी करते हैं। कहां? तो हमारे घर में। We live in our houses with our family members, यानी कि हम लोग अपने घर पर जो रहते हैं तो वहां पे हमारे पूरे family members भी रहते हैं। We feel safe and comfortable in houses, यानी कि हम लोग अपने घर पर safe यानी कि अपने आप को सुरक्षा और comfortable महसूस करते हैं। फिर second topic में है what are houses made of, यानी कि जो घर होता है वो कैसे बनता है। The some houses are made of bricks, cement and wood, यानी कि कुछ ऐसे घर होते हैं जो ईटा, सीमेंट और लकड़ी से बनता है। दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस, जिसको हम लोग पक्का हाउस कहते हैं। सम हाउसेस आर बिल्ट ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, यानी कि जो कुछ घर होता है जो मड और यानी कि कीचड़ और पुआल से बनता है, जिसको हम लोग कच्चा हाउस बोलते हैं। उसका बोल रहा है आवर हाउसेस हैज डोर्स एंड विंडोज, यानी कि हम लोगों के घरों में विंडो भी होता है और डोर भी होता है। सनलाइट एंड फ्रेश एयर कम्स इनटू आवर होम्स थ्रू द विंडोज, यानी कि जो सनलाइट होता है और फ्रेश एयर होता है वे हमें कहां से आता है, तो विंडोज से आता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में पार्ट्स ऑफ हाउसेस, यानी कि हम लोग घरों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो ए हाउस हैज मेनी पार्ट, यानी कि घर में बहुत सारे पार्ट होते हैं यानी कि प्रकार होते हैं। We sit together, chat, play and watch television in the living room. यानी कि हम लोग लिविंग रूम में क्या क्या करते हैं, तो चैट करते हैं यानी कि किसी से बातचीत, खेलते हैं और टेलीविजन यानी कि टीवी को देखते हैं। We rest and sleep in the bedroom, यानी कि हम लोग बेडरूम में आराम करते हैं और सोते हैं। आप लोग को फिगर यहाँ पे दिया हुआ है स्टडी रूम का, उसके बाद क्या चाहिए, डाइनिंग रूम का, बाथरूम का, लिविंग रूम का, किचन का, बेडरूम का। फिर बोल रहा है बी कुक फूड इन द किचन, यानी कि किचन में हम लोगों का खाना बनता है। बी वॉश एंड बाथ इन द बाथरूम, यानी कि हम लोग नहाते और धोते कहाँ पे है, तो बाथरूम में। वी नीड फूड इन द डाइनिंग रूम, यानी कि हम लोग खाना कहाँ खाते हैं, तो डाइनिंग रूम में। वी कंप्लीट आवर होमवर्क ऑफ स्कूल इन द स्टडी रूम, यानी कि हम लोग स्कूल में जो होमवर्क मिलता है उसे हम स्टडी रूम में कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में बोल रहा है बिग हाउस एंड स्मॉल हाउस, यानी कि बड़ा घर और छोटा घर। तो बोल रहा है सम ऑफ अस लिव इन बिग हाउसेस, यानी कि कुछ लोग है जो वो बिग हाउस में रहते हैं। तो सम ऑफ अस लिव इन स्मॉल हाउस, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मॉल घर में रहते हैं। तो क्रीपा लिव्स इन अ बिग हाउस विद हर ग्रैंडपेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स, यानी कि क्रीपा, कृपा एक लड़की का नाम है जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और यानी कि दादा दादी के साथ, आंटी के साथ, अंकल के साथ और चचेरा भाई या बहन के साथ रहता है। आप लोग की बुक में दिया होगा एक स्मॉल हाउस एक बिग हाउस। फिर बोल रहा है डिफरेंट हाउसेस, लुक एट सम ऑफ द हाउसेस पीपल बिल्ट टू लिव इन, यानी कि जो लोग है वो अलग अलग घर बनाए हैं। देखिएगा एक हट है, एक बंगला है, एक फ्लैट है, एक कैरावैन है, एक इग्लू है, एक हाउस बोट है, एक टेंट है, एक विला है। समझ गए? बस आप लोग इतना ही पढ़ना था।
अब आप लोग का क्वेश्चन सर दिया हुआ है व्हाट इज ए हाउस, यानी कि घर क्या है। तो द बिल्डिंग इन विच वी लिव इज कॉल्ड आवर हाउस, यानी कि जो बिल्डिंग होता है जिसमें हम लोग रहते हैं तो वो होता है हमारा हाउस। फिर बोल रहा है वेयर डू वी टेक बाथ, यानी कि हम लोग नहाते कहाँ पे हैं। तो वी टेक बाथ इन द बाथरूम, यानी कि हम लोग बाथरूम में नहाते हैं। आप लोगों को 3 क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोगों को केवल 2 ही क्वेश्चन सर कॉपी में राइट एंड रिमेंबर करना है। अब आप लोगों का होमवर्क है, डू मेक ऑब्जेक्टिव एंड राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5, यानी कि चैप्टर 5 का आप लोगों को बुक में ऑब्जेक्टिव कर लेना है और कॉपी में क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग राइट कर लेना है। समझ गए? थैंक यू।